खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोविड 19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोविड 19 पॉजिटिव मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 2670 पर पहुंच गया है। इंदौर के में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़ा 1513 पर पहुंच गया है। साथ ही 72 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 251 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 499 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 14 की मौत हो गई है। 191 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उज्जैन में 141 मरीजों में से 24 की मौत हो गई है, 5 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जबलपुर में 84 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 9 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, 1 की मौत की पुष्टि की गई है। इसके अलावा खरगोन की बात की जाए तो 71 पॉजिटिव केसेस यहां से सामने आए हैं, जिसमें से 22 मरीज रिकवर हुए हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है, रायसेन में 57 केसेस और 2 की मौत की पुष्टि की गई है। तो लगातार जो कोरोना का केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में अब ये आंकड़ा 2670 के पार पहुंच चुका है। इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित है, साथ ही साथ भोपाल में जो आंकड़ा है वो 499 का है। उज्जैन से 141 कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है, जबकि खरगोन में 71 पॉजिटिव केसेस रजिस्टर किए गए हैं, रायसेन में 57 शरद व्यास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद, लगातार कोरोना के जो केसेस हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है और 2670 से पार अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल किस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है और क्या हाल है रेड जोन्स का? देखिए, आंकड़े एक बार फिर से मैं दुरुस्त कर दूं, क्योंकि आंकड़े वर्तमान में जो बढ़े हैं उस आंकड़ों के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी जो है वहां पर आंकड़े 500 के ऊपर निकल गए, 520 के आसपास वहां पर आंकड़ा हो चुका है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आंकड़ा 1513 जो कि आंकड़ा है एक चिंताजनक आंकड़ा, ये बढ़ चुका है। कल तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। उज्जैन में 138 है और उसी तरह क्रमशः खरगोन में 71 है। मरने वालों का आंकड़ा भी 135 के ऊपर निकल चुका है। तो ये आंकड़ा वर्तमान में चिंता की लकीर, हालांकि जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन यदि हम देखेंगे तो इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई कुछ और है। ये आंकड़े कई गुना ज्यादा है। आर्थिक भोपाल की यदि बात करें तो भोपाल में हालांकि 520 के आसपास से बताया जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखेंगे तो भोपाल में ये आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। चूंकि राजधानी है इसलिए कहीं ना कहीं चीजों को देखने की जरूरत है और एक तरह से ना इकट्ठे बल्क में नहीं पेशेंट दे सकते, इसलिए वो कुछ क्रम में पेशेंट्स को लगातार जारी करने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें, लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात भी है कि अधिकारियों की इन तमाम चालाकियों के बीच में अधिकारी कुछ काम भी कर रहे हैं, जो कि कुछ कर्मचारी जो छात्र हैं या फिर कुछ मजदूर हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लाने का प्रयास कर रहे हैं और अंततोगत्वा उनको लाया भी गया। तकरीबन 35,000 के आसपास मजदूर अब तक मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये भी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का अमले की बात करें तो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे इन आंकड़ों को कम किया जाए। हालांकि दावे किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि इन आंकड़ों को कम कर दिया जाएगा और आने वाले 1 से 2 सप्ताह में ये आंकड़े पूरी तरह से कम हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आंकड़े इतनी तेज गति से बढ़े क्यों हैं। तो इनका जवाब भी अधिकारियों के द्वारा दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये पूर्व में की गई गलतियां जो चूक हुई है मध्य प्रदेश के अधिकारियों से कर्म और जो जिम्मेदार लोगों से, उसकी वजह से ये चीजें देखने को मिली है। तो ये तमाम सारे आंकड़े इस वक्त जो सामने आ रहे हैं चिंता जरूर खड़ी करते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से। जी, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जिस तरह से शिवराज सिंह सरकार एक्शन में नजर आ रही है, वहीं भोपाल में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और उपायों को लेकर मीडिया से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है कि 3 मई के बाद कुछ जिलों में छूट दी जाएगी। हालांकि अभी बैठक में इस पर अंतिम फैसला लेना बाकी है। मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना में राहत के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुल 41,712 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,600
25 पॉजिटिव केसेस हैं। 2006 लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्री ने मजदूरों को लेकर जानकारी दी कि अब तक 35,000 मजदूर मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। गेहूं खरीद को लेकर कहा गया है कि 28 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। और क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। तो 3 मई के बाद कुछ जिलों में छूट मिल सकती है, ऐसे संकेत नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला और आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब इंतजार होगा 3 मई का, जिसके बाद ये देखना होगा कि किन जिलों को छूट दी जाती है। और हालांकि ये भी सामने आया है कि जो दुकानें खोलने का जो समय है उसमें भी बदलाव सरकार कर सकती है, यानी कि 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। छतरपुर में पैसे लेकर FIR लिखाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पर्स के गुम होने की शिकायत लेकर युवक थाने पहुंचा था, लेकिन उसकी FIR दर्ज करने से पुलिस ने मना कर दिया। हालांकि इसके बाद प्रधान आरक्षक ने पैसे मांगे और तब जाकर FIR दर्ज की गई, लेकिन युवक ने मौका देखकर पैसे देने का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल होने लगा है। तो छतरपुर मध्य प्रदेश का ये मामला है, जिसमें जब एक युवक का पर्स गुम हो गया, उसकी FIR कराने के लिए वो थाने पहुंचा, लेकिन थाने में पुलिस ने FIR दर्ज कराने से मना कर दिया और FIR दर्ज कराने के नाम पर पैसे की मांग की, और इसी का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शिकायतकर्ता ने मौका देखकर ये वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदसौर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मिली जानकारी में सामने आया कि कोरोना के 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के गुदरी टोड़ा इलाके के एक ही परिवार के 10 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पहली पॉजिटिव युवती की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बता दें कि अब तक जिले में 2 लोगों की मौत के बाद अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 पर पहुंच चुकी है। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें एक जो सबसे पहली युवती थी जिसको कि कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आ गए हैं, तो आज हम लोग उनको रिलीज़ कर रहे हैं। और जिस परिवार के लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ था उसमें से 10 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। एक ही परिवार के 10 लोग हैं, उसमें 8 महिलाएँ हैं और 2 पुरुष हैं। इलाके को पहले से ही सील किया हुआ है और हम लोग उसमें और भी सख्ती कर रहे हैं और इनको जो पॉजिटिव आए हैं वो कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। रायगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया के नाम पर प्रतिबंधित सामग्री जैसे कि गुटखा की अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही है, जिसकी जानकारी कोतवाली प्रभारी को मिली। पुलिस ने एक टीम गठित की, कार को रोका, चेकिंग के दौरान अवैध तरीके से करीब 53,000 रुपए का गुटखा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना कोतवाली में, रायगढ़ के थाना कोतवाली में एक व्यक्ति जिनके पास फिएट फिगो कार में सूचना मिली थी कि कुछ उसमें अवांछित चीज़ें हैं, जब उसे चेक किया गया तो उस गाड़ी में मोहम्मद शमीमुद्दीन कादरी और दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद नईम, दोनों व्यक्ति उस गाड़ी में थे। इनके पास से तकरीबन 4,500 के आसपास पाउच थे, जो सभी गुटखा के प्रतिबंधित पाउच थे जिसको बिक्री अभी बैन है, और उनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 53,000 रुपये के आसपास है। बताया जा रहा है कि कार में दोनों तरफ प्रेस लिखा हुआ है और उस आरोपी के पास से छत्तीसगढ़ ललकार नामक समाचार पत्र का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। और थाना कोतवाली में इसमें IPC की धारा 188 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसको न्यायिक न्याय में भेजा जा रहा है। जगदलपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में रहने वाली महफूजा हुसैन ने 10 जरूरतमंद महिलाओं को काम दिया है, जिसके बाद इन महिलाओं ने 5,000 मास्क बनाए।
इसे कोरियर के जरिए राजधानी भेजा जा रहा है। इन मास्क का वहां के लोग इस्तेमाल करेंगे। मास्क के बारे में जानकारी देते हुए महफूजा हुसैन ने जानकारी दी कि एक टीम बनाकर मास्क बनाने की शुरुआत की गई है। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना इनका मकसद है। अभी और ज़्यादा मास्क बनाए जा रहे हैं। मास्क को रायपुर के एम्स में भेजा जाएगा। तो बस्तर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर भारी तादाद में मास्क तैयार किए हैं महिलाओं ने, और इन्हें अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो एम्स अस्पताल है, वहां पर इन मास्क को भेजा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से मास्क इस समय इनकी जो मांग है वो काफ़ी बढ़ गई है, और इसी लिहाज से 10 महिलाओं ने इन मास्क को तैयार किया है। मेरा छोटा सा ग्रुप है 5 लोगों का। सर हम आए जब ये महामारी की शुरुआत हुई थी, तो अचानक से हमने देखा कि मार्केट से मास्क गायब हो चुके हैं, और जहाँ मिल रहे हैं वहाँ दुगने रेट दामों पे मिल रहे हैं। तो इससे ना सर जो निचली बस्ती के लोग थे वो लोग प्रभावित हो रहे थे, उनको मिल रहा नहीं था, और उनको निकलना भी बहुत ज़रूरी था घर से। तो सर हमने सोचा कि एक एक घर में ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके यहाँ दो दो मास्क हम पहुँचाएंगे सर। तो ये अभियान हमारा चलते गया, और अब तक हमने 10 से 11 वार्ड कंप्लीट कर लिए, और 5 से 6 हज़ार मास्क का वितरण कर लिया। और इसके अलावा सर हमने बाकी कई ऑफिस, कार्यालय, हॉस्पिटल, ऐसे सब जगहों पर भी मास्क का निःशुल्क वितरण किया है।